पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति द्वारा आयोजित भक्तमाल कथा में प्रातः माँ पीताम्बरा बंगला मुखी देवी महायज्ञ कराया गया तो वही शाम को कथा का वखान किया गया। कथा में नरसिंह जी के भक्त बनने की कथा सुनाई गई। कथा में कहा गया कि जब नरसिंह जी अपनी बेटी का भक्त बनने गए तब उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने भगवान को याद करके उन्हें उसकी इज्जत बचाने को कहने लगे। तभी भगवान बैलगाड़ी लाद कर सामान भी लाए। भगवान लड़की के लिए लाल सूट, चुनरी, गहना, मोती, हीरे, घोड़े, पालकी तथा अन्य तरह के उपहार लेकर आए। नरसिंह जी ने खुशी खुशी भात नरकशक दिया। तभी दोनों भटे धू धू कर टूट गए और सभी देख कर हैरान रह गए कि दोनों भटे सोने और चांदी से भरे थे और इस तरह भगवान ने अपार सामग्री देकर अपने प्रिय भक्त नरसिंह की लाज रख ली। योगेश शर्मा, राशि किरण, नरेंद्र गुप्ता, अशोक यादव, संजीव सक्सेना, आशीष त्रिवेदी, मीरा, दिनेश अग्रवाल, इंदिरा सक्सेना, के गुप्ता आदि भक्त भारी संख्या में कथा में उपस्थित रहे। गाड़ी में हाथ लगाया ही था, गाड़ी एकदम 56 करोड़ की हो गई। मारे पीड़ा से एकदम डर गए, मानो अभी के अभी शोरूम से निकाल कर ले गए। एकदम एकदम नहीं हो गए। अब तो सबको बिठा करके ठाकुर जी लेकर गए नगर अंजार और पहुंच गए। अपने भक्त की प्रभु लज्जा नहीं जाने देते, यहाँ प्रभु नगर अंजार में छोड़ कर चले जाते हैं और कहते नरसिंह जी जब आपका भाग आ जाए तो पक्का आ जाए। नरसिंह जी यहाँ ससुराल में, नानी बाई के ससुराल में आश्रय पर आए भगवान के। लेकिन जब धन नहीं होता ना तो इस संसार वाले उसका अपमान करते हैं। नरसिंह जी के साथ भी यही हुआ। जब पता Thank you.